अमित भड़ाना। जी हाँ, ये कहानी है अमित भड़ाना के उस सफर की जो शुरू होती है एक गांव के एक साधारण से गुज्जर लड़के से और फिर उसे पहुंचा देती है YouTube के सबसे बड़े स्टार तक। दोस्तों, आज जो अमित भड़ाना भारत के लाखों दिलों की धड़कन बन चुका है, उसकी संघर्ष की कहानी बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक है। तो आइए शुरू करते हैं। अमित भड़ाना का जन्म 7 सितंबर 1994 को दिल्ली के एक गाँव जोहरपुर में हुआ। उनके पिताजी का नाम नरेंद्र भड़ाना है। अमित ने अपनी पढ़ाई यमुना विहार के एक कॉलेज से की है। बचपन से ही अमित पढ़ाई में बेहतर रहे हैं और तब से ही अमित वो बच्चे रहे हैं जो हंसी मजाक करके दोस्तों और आसपास के लोगों को हंसाते। अमित को शुरुआत से ही लोगों को हंसाना बहुत पसंद था। स्कूल के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन कम्प्लीट की। उसके बाद उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई शुरू कर दी। दोस्तों, हर माँ बाप की तरह अमित भड़ाना के माँ बाप की भी यही इच्छा थी, यही सपना था कि उनका बेटा भी पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी हासिल करे। लॉ के फर्स्ट ईयर की छुट्टियों के दौरान उन्होंने एक फनी वीडियो बनाकर फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। अपनी व्यस्तता से समय निकालकर जब वो कुछ दिनों बाद फेसबुक पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पोस्ट पर काफी अच्छे कमेंट्स आए हैं। अमित के दोस्तों ने उन्हें इस तरह की मनोरंजक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। तब अमित ने दोस्तों की डिमांड पर इससे और कहीं ज्यादा मजेदार वीडियो बनाए जो कि काफी पसंद किए गए, खासकर युवा वर्ग द्वारा। अमित भड़ाना नाम से बनाया गया फेसबुक पेज उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ क्योंकि इस पर अपलोड की गई मॉडल फिल्म की सनी देओल की डबिंग ने 3 मिलियन से ज्यादा लाइक बटोरे। इन सभी वीडियो में अमित एक बैक स्टेज पर काम कर रहे थे डबिंग आर्टिस्ट की तरह, जिसमें लोगों तक केवल उनकी आवाज ही पहुंच रही थी। ये बात उनके दायरे को सीमित कर रही थी। लोगों को फ्रंट फुट पर आकर इंटरटेन करना अभी बाकी था, पर ऐसा करने में वो झिझक रहे थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और वो दिन भी आ गया जब उनकी लॉ की पढ़ाई पूरी हो गई। अब जिंदगी ने अमित को उस मोड़ पर लेकर खड़ा कर दिया था जहाँ से दो रास्ते गुजरते थे। पहला रास्ता, या तो वह अपने माँ बाप, घर परिवार और समाज के सुनते और उस रास्ते पर निकल जाते जो कि जिंदगी में उन्हें एक सफल वकील बनाता, जबकि दूसरा रास्ता सीधे उनके दिल से निकलता था और यूट्यूब की बुलंदियों तक पहुँचाता था। फिर एक दिन उन्होंने अपने इस समस्या के बारे में अपने एक दोस्त को बताया और फिर वो कहते हैं ना कि कभी कभी तलवार जो काम नहीं करती वो कुछ लोगों के शब्द कर जाते हैं। ठीक यही हुआ कुछ अमित भड़ाना के साथ भी। उस दिन उनके दोस्त ने उन्हें एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक गधा हुआ करता था, लेकिन वो गधा बहुत ही समझदार और दिमाग से बहुत ही तेज था। उस गधे को बहुत जोर से भूख लगी हुई थी क्योंकि बहुत दिन से उसे खाना नहीं मिला था और वो एक ऐसी जगह पर खड़ा था जहाँ से दो रास्ते गुजरते थे और उसे साफ साफ दिख रहा था कि अगर एक रास्ते वो जाएगा तो थोड़ी ही दूर पर उसे चने का एक हरा भरा खेत मिल जाएगा और अगर वो दूसरे रास्ते से जाएगा तो उसे मटर का एक हरा भरा ताजा ताजा खेत मिल जाएगा। लेकिन वो गधा डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि आखिर खाऊ तो क्या खाऊ, चना खाऊ या मटर खाऊ, और आखिर में वो गधा वही भूख से मर जाता है और वो ये समझ ही नहीं सका कि क्या खाऊ, कौन से खेत की तरफ जाऊ। और अंत में अमित के दोस्त ने अमित की ओर देखते हुए कहा कि देख दोस्त, तू भी इस गधे की तरह समझदार, टैलेंटेड और जीनियस है और जिस तरह से वो गधा वही खड़ा खड़ा मर गया, वैसे ही तू ये सोचते सोचते अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। उसके दोस्त ने कहा कि देख अमित, आज दुनिया में जितने भी लोग कामयाब है, चाहे तू किसी भी सेक्टर की बात कर ले, किसी भी फील्ड की बात कर ले, वो भी कभी अपने जिंदगी में एक ऐसी जगह पर खड़े थे जहां उन्हें भी दो चीजों में से एक को फाइनल करना था और वो आज सक्सेसफुल है। उसका कारण ये नहीं है कि उन्होंने उस समय एक सही डिसीजन लिया था, बल्कि वो आज केवल और केवल इसलिए कामयाब है कि उन्होंने उस समय जो डिसीजन लिया था उसको आज साबित करके रख दिया। बस फिर क्या था, अमित ने कहा कि तूने तो आज आंखें खोल दी मेरी। और उसी दिन अमित ने ये डिसाइड कर लिया कि उसे अभी सिर्फ उसी रास्ते पर चलना है जो उनका दिल कहता है। उस दिन तारीख थी 17 फरवरी 2017 और उन्होंने अपना एक फेसबुक पेज बनाया और उसी दिन उन्होंने डिसाइड किया कि अभी वो पहले की तरह डबिंग वीडियो नहीं बनाएंगे बल्कि अभी वो कॉमेडी वीडियो बनाएंगे। वो शुरू से ही भुवन बाम, बीबी की वाइंस के फॉलोअर थे और उन्हें काफी पसंद भी करते थे, लेकिन उनके मन में कुछ अलग करने का था, इसलिए उन्होंने अपने फनी डायलॉग्स को अपने वीडियोस में डालना शुरू किया। फिर अमित दिन रात एक करके वीडियोस बनाने लगे और वो अपने मोबाइल फोन से ही वीडियोस को शूट करते थे।
अपने मोबाइल फोन से खुद ही वो अपनी वीडियोस को एडिट करते थे और अपने फेसबुक पेज पर पब्लिश किया करते थे। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल वर्ष 2012 में ही बना लिया था, पर वो उस पे एक्टिव नहीं थे। लेकिन अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो अपने वीडियोस को फेसबुक पेज पर भी डालेंगे और साथ ही अपने यूट्यूब चैनल पर भी। धीरे धीरे समय बीतता गया, वो अपने फेसबुक पेज और चैनल दोनों पर वीडियोस डालते रहे। शुरू के दिनों में तो उन्हें कोई नहीं देखता था, लेकिन धीरे धीरे लोग उन्हें पसंद करने लगे। कुछ लोग उनको पसंद भी नहीं करते थे और नफरत करते थे, लेकिन अमित ने कहा कि इन्हें अपने काम से खुश करना है, इन्हें अपने काम से चुप कराना है, ना कि लड़कर। अमित की वीडियोस की शुरुआत से ही यही खासियत रही है कि उनकी वीडियोस को पूरा परिवार देख सकता है। वो अपने वीडियोस में कभी भी गाली गलौज का प्रयोग नहीं करते, वो अपने वीडियोस में कोई भी गंदी चीज यूज नहीं करते। अभी अमित को वीडियोस डालते डालते बहुत दिन बीत गए थे, लेकिन उनको कुछ खास ज्यादा लोग देख नहीं रहे थे। अमित को अभी भी घर वाले ये कहते थे कि छोड़ दे ये सब और अपनी नौकरी पकड़ ले और वकील बन जा। लेकिन अब अमित का कहना था कि नहीं, अभी अगर कुएं में कूद गए हैं तो कूद गए हैं, लेकिन वापस नहीं होना, क्योंकि लोग कहेंगे कि एक आया था अमित भड़ाना, पागलों की तरह वीडियोस बनाता था और पता नहीं कहां चला गया। शुरू में लोग ये भी बोलते थे कि तुम एक गवार गुज्जर हो, तुम कपड़े कैसे पहनते हो, तुम ये सब नहीं कर सकते हो, तुम काले हो। लेकिन अमित ने भी ये ठान लिया था कि अभी मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है, जिस रास्ते पर चल दिया तो चल दिया, अब जो होगा देखा जाएगा। और सबसे बड़ा मोड़ उनकी जिंदगी में तब आया जब उन्होंने एक कैमरा खरीदा और अपनी वीडियोस में रिया मावी को मिला लिया, और फिर 2 से 3 महीने के अंदर कमाल हो गया और उनका यूट्यूब चैनल बुलंदियों तक पहुंच गया। दोस्तों आपको बताते चले कि अमित वीडियो ग्राफिक्स, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, डायलॉग्स राइटिंग, कंपोजिंग और अन्य सभी वाइन से रिलेटेड जितने टास्क है वो स्वयं करते हैं। उनकी डायलॉग्स राइटिंग, जिसका मुख्य केंद्र गुर्जर बोली है, ये उन्हें अन्य यूट्यूबर से अलग करती है। इसका प्रमाण आज अमित भड़ाना के 1.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। दोस्तों ये कहानी थी उस यूट्यूब स्टार अमित भड़ाना की, जो पूरे भारत के दिलों में बसता है।